हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज टेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप कैन मास्टर से अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग कैन मास्टर से ही वीडियो एडिट कर रहे हैं, वो भी मोबाइल में। कैन मास्टर में आपको सारा सेटिंग मिल जाएगा, आपको एडवांस लेवल आप एडिट कर सकते हैं। तो अपने प्ले स्टोर पर कैन मास्टर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट नाउ कर सकते हैं। क्रिएट नाउ करने के बाद ये देखिए, ये यूट्यूब चैनल के लिए 169 ये रेशियो आ रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम IGTV 916 आ रहा है। यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो आप 1:1 कर सकते हैं। चलिए मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ 69 रखिए, आप सेलेक्ट कीजिए वहाँ पे। आप उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी वीडियो को एडिट करना है तो वहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखिए आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ से आप पहले सीजर का ऑप्शन आ रहा है। तो सीजर पे जाने के बाद यहाँ से देखिए एक ट्रिम और एक स्प्लिट आ रहा है। तो ट्रिम क्या करता है, वीडियो को कट करता है। स्प्लिट क्या करता है, वीडियो के बीच में कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ट्रिम देखिए, दो तरह का ट्रिम है, ट्रिम ऑफ लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। अगर आपको लेफ्ट में कट करना है तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, अगर राइट में करना है तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। चलिए मैं बताता हूँ आपको करके। ये देखिए, इसको प्लेट बोलते हैं यहाँ, रेड कलर का जो है। अगर अगर जितना भी आपको लेफ्ट में काटना है तो आप प्लेट ले आइए। जैसे मैं यहाँ इतना मुझे लेफ्ट में काटना है तो यहाँ रख दीजिए। उसके बाद इतना काटना है, जितना काटना है तो आप प्लेट पे ले आइए। उसके बाद आप ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए कट गया, लेफ्ट में कट गया। अगर राइट में कट करना है, राइट में करना है तो यहाँ से देखिए इतना फालतू है, तो मैं यहाँ इतना कट करना चाहता हूँ लेफ्ट राइट में, तो यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए। अगर आपके से गलती हो गया होगा तो यहाँ से आप अंडो कर सकते हैं, यहाँ से अंडो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, आप स्प्लिट एट प्ले हेड। स्प्लिट का काम है कि अगर वीडियो में आपको बीच में कहीं फ़ोटो डालना है, कोई इंट्रो वीडियो डालना है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जहाँ पे आपको इंट्रो वीडियो डालना है प्ले हेड, वहाँ ले आइए। चलिए मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, मैं स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। वहाँ उसके बाद यहाँ से आप कोई फ़ोटो ले लीजिए, कोई वीडियो लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ कोई भी, सबको दिखाने के लिए। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इस पर आप इंट्रो वीडियो, मैंने फ़ोटो लिया, आप इंट्रो वीडियो अगर पहले से बना रखे हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इमेज लिया बस दिखाने के लिए। यहाँ से आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, मैं सब बताता हूँ बाद में। अभी यहाँ से स्प्लिट का काम यही है। ठीक है, मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है क्लिप ग्राफिक्स का। क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ से देखिए आप ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ट्रेवल, मैं आपको यहाँ ट्रेवल एसेंट दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो के बीच में, ये चाहे ये कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, टाइटल टेक्स्ट गोजिया, यहाँ से आप टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप टाइटल भी डाल सकते हैं। ये देखिए अनुज टेक आ रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो भी लगाना चाहते हैं ये लगा लेता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कट कर देता हूँ इसको।
ठीक है, यहाँ से आप उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से और भी हैं यहाँ पे, और भी ग्राफिक्स हैं। यहाँ देखिए सेंटिमेंटल है, आप पावरफुल है, यहाँ से पावरफुल में लगा सकते हैं आप। ये देखिए बरसात हो रहा है स्टार का, ये देखिए ये लगा सकते हैं आप। चलिए मैं नन कर लेता हूँ बस, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है स्पीड। स्पीड यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से अगर स्पीड आपको वीडियो को बढ़ाना है तो यहाँ से आप देखिए 1.5 कर लीजिए, 2 करना चाहते हैं तो 2 कर लीजिए। चलिए मैं 1-2 करके दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, ये देखिए स्पीड हो गया वीडियो, ये देखिए हो गया। अगर आपको स्लो करना है तो यहाँ से 1.5 चाहे 1 ले आइए, जो भी जितना भी आपको स्पीड कम करना है। मैं देखिए 1.5 कर लेता हूँ, चलिए मैं 0.15 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्लो हो गया ना, यहाँ से आप म्यूट ऑडियो भी कर सकते हैं आपको करके, ठीक है। अगला ऑप्शन है, अब चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है रिवर्स, ये देखिए वीडियो को रिवर्स कर देता है, मतलब जो शुरू का है वो एंड में चल जाएगा और जो एंड का है वो शुरू से चल जाएगा, स्टार्ट होने लगेगा, एंड से स्टार्ट होने लगेगा। ये देखिए उल्टा हो जाएगा रिवर्स, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए रिवर्स कंप्लीटेड। यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए एंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने स्पीड कम रखा है इसमें, इसमें कर लेता हूँ मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है स्पीड के बाद रिवर्स, तो मैंने कर बता दिया आपको। उसके बाद आ रहा है रोटेट, रोटेट और मिररिंग। मिररिंग में देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए उल्टा भी हो गया, ठीक है। जैसा वीडियो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कलर फिल्टर। कलर फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए बेसिक में आप ये सब, ये देखिए बेसिक में बेसिक 1 बेसिक 2, ये अपनों जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई करके यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा है, ये देखिए मैं फिल्टर दिखाता हूँ। यहाँ से कोल्ड है, कोल्ड में लगा सकते हैं, कोल्ड 1 कोल्ड 2 जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे लो सेचुरेशन है, यहाँ से आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मोनो विविड वार्म अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड मैं नन कर लेता हूँ, आपको जो लगाना है वो पसंद है वो कर लीजिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ये देखिए ब्राइटनेस को आप यहाँ थोड़ा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए यहाँ से आप कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। उसके बाद सेचुरेशन, सेचुरेशन ये देखिए सेचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र में ये देखिए अपने ऑडियो को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, बेस दे सकते हैं, यहाँ पे हिप हॉप देखिए जेज या नेचुरल रख सकते हैं, पॉप, ठीक है। मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ से अब जो भी आपको रखना चाहते हैं वो रख ले। उसके बाद अगला ऑप्शन है वॉल्यूम एनवेलप आ रहा है। अगर आपको वीडियो में, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वॉल्यूम को तेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यह देखें जहाँ भी आपको रखना चाहते हैं वो तेज़ कर लें, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है रिवर्ब का। रिवर्ब में यह देखें कैथेड्रल, केव, अरीना, चर्च, कॉन्सर्ट हॉल, वैसा ही आवाज़ आ जाएगा आपका जैसे ही वॉल्यूम रहेगा। हॉल डिले, ऑडियो में कुछ चेंज आ जाएंगे। उसके बाद आप
वॉइस चेंज कर सकते हैं, एलियन का रख सकते हैं, चिपमुंक वो रख सकते हैं, अपना पूरा ऑडियो चेंज कर सकते हैं, चोरस, कन्फ्यूजन, ग्रोल, मोनेस्टर, बैड गाय, एक्सट्रीम इको, सलाइसर, फनी बच्चा का रख सकते हैं, मैन, ट्रिल, रेडियो, रोबोट, रोबोट का आवाज़ भी डाल सकते हैं इसमें, कंप्यूटर, ब्लैक होल, हाई एंड लो, वुमेन, आपको जो भी रखना है वो रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, अब तो वॉइस चेंज हो गया, यहाँ से विग्नेट कर सकते हैं, ये देखिए आपके वीडियो के किनारे किनारे ये देखिए ब्लैक ब्लैक आ गए वहाँ, वो वैसे अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अनसेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यहाँ से आप ऑडियो को निकाल भी सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है, ये तो हो गया, यहाँ से आप ये देखिए ये ऑप्शन, यहाँ देखिए स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन में आपको आपको अगर जूम करना है तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे स्टार्ट होगा, ओके करके ये देखिए ऐसा स्टार्ट हो गया वीडियो, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर एंड में भी अगर आपको जूम करना है तो यहाँ प्लेहेड लेके आइए, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए एंड पोजीशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए जूम हो गया एंड पोजीशन पे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑडियो आ रहा है, यहाँ से आप ऑडियो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर ईयरफोन में सुन रहे हैं तो देखिए लेफ़्ट में 100% है, राइट में 100% है, अगर दोनों तरफ राइट में 100% करना चाहते हैं तो ये देखिए 100% सिर्फ राइट में ही 100% आवाज़ आ जाएगा, लेफ़्ट में नहीं आएगा, अगर सिर्फ राइट में रखना चाहते हैं तो ये दोनों ये देखिए लेफ़्ट में कर लीजिए, राइट लेफ़्ट में करना चाहते हैं आवाज़ तो आप लेफ़्ट में 100% रखें और राइट में 100% रखें, ठीक है। और यहाँ से पिच कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आपको इसके बाद भी वीडियो लेना लाना चाहते हैं, इसके बाद अगला कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ से प्लेहेड पूरा एंड कर लीजिए, यहाँ से आप मीडिया पे चले जाइए, मीडिया पे आप ये देखिए मैं वही वीडियो लेता हूँ, एक और यहाँ से देखिए एक और वीडियो आ गया, दो वीडियो आ गया ना, यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, मैं बैक चले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑडियो, यहाँ से आप अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक वॉइस रिकॉर्ड अगर कर रखे हैं पहले से तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप ऑडियो आ गया, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आप रिकॉर्ड स्टार्ट में स्टॉप ये करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप देखिए लेयर, लेयर में आप मीडिया, यहाँ से आप देखिए यहाँ से कोई इमेज डालना चाहते हैं, यहाँ से ये देखिए वीडियो के बीच में अगर कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेयर में क्लिक कीजिए, वीडियो के अंदर अगर वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ से मीडिया पे जाइए, मैं चलिए वही यही वीडियो कर लेता हूँ, यहाँ से ये देखिए यहाँ से जाने के बाद यहाँ से कम ज़्यादा आप लगा सकते हैं, जैसे किनारे में लगा देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए छोटा सा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखिए ठीक है। यहाँ से आप इसको एनिमेशन डाल सकते हैं, यहाँ से पॉपअप स्लाइड रेडियो कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको देना है तो कर सकते हैं,
उसके बाद चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन, अगर वीडियो में आपको स्टिकर साटना है तो स्टिकर भी दे सकते हैं। यहाँ से देखिए स्टिकर आपको यहाँ से मैं देता हूँ, चलिए ये दे देता हूँ यहाँ से। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए स्टिकर तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से आप, मैं दूसरा स्टिकर ले लेता हूँ, मैं जूम कर लिया था ना इसीलिए। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वीडियो के ऊपर अगर कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए न्यू स्टिक, यहाँ से आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। किनारे में रखना है, यहाँ रखना है आपको तो यहाँ रख सकते हैं न्यू स्टिक। यहाँ से आप, यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं ये कर देता हूँ, ये यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ से ये देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ आपको। अनुस्टेक यहाँ से आप, यहाँ से इसका एनिमेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कम फास्ट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आप स्पीड भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। बैक करता हूँ, यहाँ से आप हैंड राइटिंग यहाँ से हाथ से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ यहाँ से वीडियो में कुछ डालना है, जैसे मैं अनुज कर रहा था, अनुज कुमार, अगर कुछ डालना है यहाँ से लिखना है अपने हाथों से तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए यहाँ से कुछ भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, बीच में कहीं भी डालना होगा फ़ोटो में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बेसिक इफ़ेक्ट, यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगर कोई आपको कुछ जैसे ब्लर करना है तो लेयर में जाइए, यहाँ से आप इफ़ेक्ट में जाइए, यहाँ से आपको यहाँ से बेसिक इफ़ेक्ट आएगा, यहाँ से आप गॉसियन ब्लूर पर जाइए, यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट को आपको जैसे यहाँ देखिए ब्लर करना है, मेरा देखिए एक आँख ब्लर करना है तो यहाँ से देखिए ओके, यहाँ से आप ये देखिए ब्लर हो गया ना, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सेटिंग में जाके। यहाँ से ये आप पूरा ही ब्लर करना चाहते हैं। अगर आपको जैसे पासवर्ड वगैरह कुछ छुपाना है तो वहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा एक आँख फूट गया, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ से तो मैं मीडिया बता दिया मैंने, इफ़ेक्ट बता दिया मैंने, यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बता दिया मैंने, हैंड राइटिंग बता दिया मैंने, ये ठीक है। मीडिया से आप मीडिया ले सकते हैं, यहाँ से ऑडियो भी आप ले सकते हैं, यहाँ से अगर रिकॉर्ड किया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये ठीक है हो गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, चलिए मैं यही बताता हूँ, यही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को यही एंड करता हूँ मैं, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट पे पूछ लीजिए, ठीक है, थैंक यू।